पिताजी हैं, बहुत ही आर्थिक स्थिति और मानसिक स्थिति से हर चीज से लाचार हैं, बहुत ही गरीब हैं, और वो नहीं कर पाएंगे मालती चौहान का जो अंतिम संस्कार है, नहीं कर पाएंगे। दोस्तों हम लोग कुछ चंदा वहाँ पे इकट्ठा किए हैं, जो कि पीका बुकअप का जो भाड़ा वगैरह होता है वो दिया गया था, और वहाँ अंदर भी जो चीर फाड़ होता है उसका भी शायद पैसा वैसा लगता है, तो वो भी हम लोग दिए हैं। और तो पैसा नहीं लगता है, पर पैसा उनको भाड़ा वाड़ा ले जाने के लिए हम लोग दिए हैं, और चंदा बहुत से लोग दिए, हम लोग भी दिए। मान लीजिए हम अकेले देते तो लोगों को शक होता, अगर हम लोग अकेले दे देते अभी ना, तो लोग शक के निगाह से देखते हैं। तो इसीलिए दोस्तों हम सभी लोग मिल करके, जितने भी यूट्यूबर वहाँ पे थे, सभी लोग मिल करके दिए हैं। और दोस्तों आप लोग से कहना चाहते हैं, जितने भी लोग मालती चौहान को देखना चाहते, एक लास्ट बार देखना चाहते, उनसे अगर मिलना चाहते, देखना चाहते, तो बिरहर घाट पे कल उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, और 8 से 9 बजे के बीच में उनका 8 से 9 बजे के बीच में उनका अंतिम संस्कार होगा। जितने भी लोग चाहते हैं मालती चौहान से आखिरी बार मिलना, वो लोग जाकर मिल सकते हैं, और वीडियो में मैं डाली हूँ, आप लोग पूरा वीडियो देख लीजिएगा और चले जाइएगा, क्योंकि अंतिम बार तो उनसे मुलाकात हो जाएगा। अब आप लोग के सामने आ गया ना कि कौन दोषी है, कौन निर्दोष है। मालती तो बार बार चिल्ला चिल्ला के बोल रही थी कि हमको फंसाया जा रहा है, फंसाया जा रहा है, तभी कोई नहीं सुना, तो बहुत गलत हो जाएगा, बहुत ज्यादा। हर तरफ से औरतों को दबाया जाता है, हर जगह से औरतों को ही मारा जाता है।